सात सितारे के तमगे के लिए स्वच्छता सर्वेक्षण लीग 2020 में इतनी कठिन शर्त रखी गई है कि इस बार भी किसी शहर को यह तमगा हासिल नहीं होगा। इंदौर को नंबर वन की राह दिखाने वाले पूर्व नगर निगम कमिश्नर और प्रदेश स्वच्छ भारत मिशन के मुखिया मनीष सिंह भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं। सफाई में हैट्रिक लगा चुके इंदौर ने पिछले सर्वे में शुरू हुए कचरा मुक्त शहर के मुकाबले में सात सितारा के लिए दम ठोका था। इस बार बदलाव करते हुए दो और चार सितारा को भार कर दिया है। कचरा मुक्त शहरों में तमगा हासिल करने के लिए कचरा खत्म होना ही जरूरी नहीं है, शहर के गंदे पानी का निपटाना भी जरूरी है। सफाई सर्वे को बारीकी से समझने वाले स्वच्छ भारत मिशन के मुखिया मनीष सिंह बताते हैं कि सात सितारा हासिल करने के लिए रिसाइकल ऑफ वाटर बॉडी खास कड़ी है। तालाब की साफ सफाई हो या किसी भी वाटर बॉडी की बात हो, ओपन नालों में सीवेज का पानी नहीं आना चाहिए। सात सितारा तभी मिलेगा जब 100% सीवेज का पानी पाइप के जरिए ट्रीटमेंट प्लांट पर पहुंचे। शहर इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। कुछ इसमें क्वार्टरली में कुछ कर रहे होंगे लोग, मेनली फिर बाद लास्ट में करेंगे, जनवरी में करेंगे उसमें। सर ये स्टार रेटिंग के बाद लास्ट ईयर जैसी रहेगी कि चेंज रहेगा कुछ? ब्रॉडली तो वही सब टर्म्स हैं 7 स्टार का, बस ये किया उन्होंने कि 1 स्टार, 3 स्टार, 5 स्टार, 7 स्टार किया है, तो बीच के 2 स्टार और ये 4 स्टार वगैरह रिमूव कर दिए इन्होंने, और ब्रॉडली तो वही है जो पिछली बार था। सर लास्ट ईयर किसी को भी 7 स्टार नहीं दिया गया, उसकी क्या वजह रही? देखिए 7 स्टार में रिसाइकलिंग भी, रिसाइकलिंग ऑफ वाटर भी जो है उसका एक मेजर कंपोनेंट रहता है। फिर वाटर बॉडीज़ जो हैं, जो ड्रेन्स हैं, जो तालाब वगैरह हैं, इनकी साफ सफाई के बहुत बड़े सारे इशूज़ रहते हैं। उसमें ये भी रहता है कि ओपन नालाज में सीवेज फ्लो नहीं होना चाहिए, 100% सीवेज पाइप सीवेज नेटवर्क से ट्रीटमेंट प्लांट पर आना चाहिए। अभी सिटीज़ उसके लिए स्ट्रगल कर रही हैं, धीरे 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 ये होगा। अभी किसी देश में किसी भी शहर में उस पैरामीटर्स पर नहीं हो रहा है। माना जाए कि इस बार भी 7 स्टार किसी को नहीं मिलेगा। चैलेंजिंग है अगर किसी सिटी ने कर लिया, अगर किसी सिटी में नाले में सीवेज जाना बंद हो गया, नदी नालों में, किसी में सारी वाटर बॉडीज क्लीन हो गई और रिसाइकल जो करते हैं ट्रीटमेंट के बाद गंदे पानी को, उसका 30% पानी रिसाइकल यूज़ कर लिया, तो वो 7 स्टार में आ सकता है। जो मेन टफ पैरामीटर है 7 स्टार। ये आपके जो लोग हैं